तुम पंजाब में खड़े हैं ना, और पंजाब में जो मॉडिफिकेशन का भाई शौक है वो भाई एक नंबर है। 35R20 20 इंच की भाई इसके अंदर ये अलॉय व्हील्स है, 4 मिड डोर में लगी हुई है, 4 हो गई इस तरफ पीछे। तो ये है अपनी डेब बोन्स की सिल्वेस्टर ना भैया। तो भाई ये देखो, ये P2 रहने वाला है, रोक फोड़ ये देखो। जलंधर RTO से मिल रहा था नंबर 3.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख, इसलिए PB7 लगवाया था। हुशियारपुर में नंबर सस्ता मिल गया था। अच्छा अच्छा, हुशियारपुर में 2.5 लाख का मिल गया था नंबर, 2.5 लाख रुपए का। होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। मेरे चैनल पे भाई फर्स्ट क्रूज आने वाली है, और वो भी भाई इतनी अल्टीमेट क्रूज लेके आए आप सबके लिए। तो भाई साहब, तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में, carsaries.net और शिवा कार एसेसरीज। मतलब आपको जो भी वेबसाइट का लिंक वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आपकी कार है, जैसे कि भाई नई हो पुरानी हो, जिसपे भाई लाइट्स की दिक्कत आ रही हो, मतलब A to Z आपका लाइट्स का सोल्यूशन रहने वाला है। मतलब कि आपके हेडलाइट बहुत ही ज्यादा कमजोर है या मतलब रिस्पॉन्स नहीं है रोड पर, तो भाई उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अपनी LED लाइट हो गई, कितने भी वोट आपको चाहिए, जो भी जितना भी वोट आपको चाहिए, 120, 180, 200 वोट, 300 वोट, जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगी इसी वेबसाइट पर। और प्रोजेक्टर चाहिए, प्रोजेक्टर भी आपको मिल जाएगा, GTR, IPH वगैरह, अपना जो भी ओवरऑल जितने भी अपने प्रोजेक्टर होते हैं तो सारे वहीं पर ही आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छी प्राइसिंग रेट के साथ। और बात करें तो पेमेंट ऑप्शन वगैरह क्या क्या रहने वाले, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पेमेंट्स मेथड भी आपको बहुत सारे इस पर मिल जाएंगे, जैसे EMI हो गया अपना। और अगर बात करें तो टेल लाइट्स अगर चाहिए किसी भी कार की, टेल लाइट्स हो गई और स्पॉइलर हो गए, मतलब टोटल A to Z अपने एसेसरीज आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जाके भाई डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वेबसाइट मिल जाएगी, क्लिक करो एंड ऑर्डर करो। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इतनी दूर दूर जाके हमने वीडियो बनाई है, तो भाई पूरी वीडियो ज़रूर देखना। अब ये देखिए क्या ही बनाई है भाई ने। तो आज की वीडियो हमारे साथ है रुद्र भाई। तो कैसे हो भाई? सब बढ़िया भाई, आप? तो भाई बिल्कुल बढ़िया। तुम पंजाब में खड़े हैं ना, और पंजाब में जो मॉडिफिकेशन का भाई शौक है वो भाई एक नंबर है। ये देखो क्या लुक आ रही है इसकी। तो रुद्र भाई सबसे पहले ये बताओ कि क्रूज का शौक कैसे है और क्या है भाई के पास? एक नहीं, कितनी क्रूज रख ली अब तक भाई? क्रूज तो 7-8 रख ली, बट इस टाइम करंटली 3 है। करंटली 3 है जी, एक वाइट, 2 ब्लैक। एक वाइट, 2 ब्लैक। तो सब में मॉडिफिकेशन है जी? एक सेटल ब्लैक में रैप है गाड़ी, हाँ हाँ, और मतलब कि थोड़ी बल्की लुक बनाई हुई है, एक 20 इंच में, मतलब कि वो सिल्वर ब्लैक, मतलब नॉर्मल ब्लैक है। नॉर्मल, और ये भी अपने 20 इंच है जी? ये भी 20 इंच है भाई साहब। ये चेक करिए, तो ये अपना कौन सा मॉडल वगैरह है भैया? ये 2011 मॉडल है, सितंबर का। 2011 मॉडल है सितंबर का। डीजल है? डीजल, पेट्रोल में आती थी क्रूज। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसा आपको बताया डीजल है, तो 10 साल की इसकी वैल्यू होती है दिल्ली में जी। तो यहाँ पर कितनी क्या है भैया? यहाँ बस चल रही है, क्या वैल्यू? रिन्यू हो जाती है ना यहाँ पर? हाँ रिन्यू तो होती है यहाँ, 15-20 साल की होती है उसकी रिन्यू। अब ये अब इसकी रिन्यू होगी कितनी होगी? अभी तो ये 26 तक है। 26 तक है, तो यहाँ पर डीजल कार की जो एज है वो कितनी है? 15 साल। 15 साल, 15 साल है। और भाई साहब ये देखो बहुत ही अल्टीमेट बनाई हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इसका नंबर देखो, 0008। तो भाई ये परचेज करा था, क्या है क्या भैया? ये परचेज ही करा था। परचेज कितने का मिला था ये भैया? मिल गया था ये, दरअसल हमें जलंधर RTO से मिल रहा था नंबर 3.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख, इसलिए PB7 लगवाया था। हुशियारपुर में नंबर सस्ता मिल गया था। अच्छा अच्छा, हुशियारपुर में 2.5 लाख का मिल गया था नंबर, 2.5 लाख रुपए का। और ये फर्स्ट ओनर है जी? फर्स्ट ओनर।
तो भाई ये परचेज करा था, क्या है क्या नहीं? ये परचेज ही करा था। परचेज कितने का मिला था ये भैया? मिल गया था ये, दरअसल हमें जलंधर आरटीओ से मिल रहा था नंबर 3.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख, इसलिए पीबी 7 लगवाया था। हशियारपुर में नंबर सस्ता मिल गया था। अच्छा अच्छा, हशियारपुर में 2.5 लाख का मिल गया था नंबर, 2.5 लाख रुपए का। और ये फर्स्ट ओनर है जी? फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर है ये। और अगर दिखाएं तो और फ्रंट से क्या क्या चीज इसके अंदर चेंज है भैया? ये जैसे आपको पता है ताइबान लाइट्स है, डब्ल्यू वाली बीएमडब्ल्यू स्टाइल, बिल्कुल ये देखो बीएमडब्ल्यू स्टाइल वाली। एक तो इसकी लुक भी कुछ ऐसी है बीएमडब्ल्यू जैसी है ना जी भाई जी, तो ये तो है। तो भाई ये कितने की क्या पड़ी थी आपको भैया? इनके अप्रोक्स इस टाइम कॉस्टिंग चल रही है 25,000 चल रही है मेरे हिसाब से। 25, और ये भी चेंज है। और अगर फ्रंट की बात करें तो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है, क्या क्या चीज चेंजेस है? जैसे ये जो है ना, जो DRL मर्सिडीज स्टाइल है। अच्छा, ये अच्छा। जब गाड़ी नहीं आती थी तभी लगवाए थे ये वाले जो जी जी जी, ये जब स्टार्ट होगी तब जलते हैं। अच्छा, ये अब नहीं मिलते। अरे वाह। और साइड में देखोगे तो एक तो बीएमडब्ल्यू और प्लस बीएमडब्ल्यू वाले इसमें अलॉय व्हील्स है ना। तो अगर हम बात करें इसके टायर प्रोफाइल वगैरह की, तो 255/35R20 इंच की भाई इसके अंदर ये अलॉय व्हील्स हैं। तो जब आप लगवाने गए तो कितना क्या सोचा था भाई? भैया मेरी पहले वाली गाड़ी में 20 इंच थे, तो मेरे को इतना था नहीं, कोई दिक्कत या टेंशन थी नहीं, क्योंकि मैं पहले भी 20 ड्राइव कर रहा था। अच्छा, 20 ड्राइव, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी होती है भाई? आप मानोगे इसमें मतलब कि गाड़ी उठवाने की लोन डायरेक्ट फिटमेंट है, डायरेक्ट मतलब कोई उठवाई भी नहीं हुई। तो भाई साहब जब भी देखो इतना गैप है, ऐसा लग रहा है जैसे लो कराई हुई है भाई ने ना। हाँ, क्योंकि उठवाई नहीं हुई भाई। ये देख लो तो क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी इसके अंदर भैया? ये पड़ गए थे मेरे 1.28 के, 1,28,000 रुपए के। तो कटिंग वगैरह में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बबलिंग वगैरह मार कहीं कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल भाई साहब। जी ये देखो, ये हो गई भाई इसकी साइड लुक। अब आते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, तो भाई साहब ये चेक करो, ये अपनी ताइबान वाली टेल लाइट्स रहने वाली। इधर स्पॉइलर हो गया, ये नीचे डिफ्यूजर हो गया। तो टेल लाइट्स की क्या कॉस्टिंग थी इसकी भैया? टेल लाइट्स की कॉस्टिंग है मतलब कि अलग अलग रेट भैया, लेट आपको पता अपनी चौथे जब मैंने ली तब मैंने 15,000 की ली थी। अच्छा, 15,000 रुपए की। हाँ। तो बाहर से भाई ये जैसे बीएमडब्ल्यू स्टाइल है, इनमें मर्सिडीज स्टाइल भी आता है। हाँ हाँ, एक मर्सिडीज स्टाइल आता है, वो ऐसे ऐसे रहता है ना। तो अगर जैसे डीजल है ना, तो भाई ये देखो एक माइनस पॉइंट ये होता है, ये बम्पर ब्लैक कर देती है जब भगाते हैं। आप बताऊं, ये भी अभी थोड़े टाइम में सॉल्व हो जाएगा। दरअसल ये डिफ्यूजर लगाने का सेंसर कटवाना पड़ता है। हाँ हाँ, उसकी वजह से ना ये बीच में लग रहा है धुआं, तो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जब मैं सेंसर वेल्डिंग नीचे करवा दूंगा नीचे की तरफ, जैसे अपने वॉक्सवैगन वेंटो मोंटो में आता है, तब नहीं होगा ये चीज, तब नहीं होगा। तो भाई ये ही नहीं, भाई ने सिस्टम वगैरह सब चीज ओके रिपोर्ट कराया हुआ। भाई एक बार डिग्गी खोल के दिखाओ कौन सा बूफर वगैरह है अपना। सो भाई ये देखो, ये P2 रहने वाला रोक फोड़। ये देखो कस्टमाइज ट्यून्ड पेटी है इसके अंदर। तो ये कितना RMS आता है एक भाई? भैया इतनी तो मुझे पता नहीं है RMS का, बट ये है कि यहाँ टॉप नॉच वूफर है, आपको पता है सब, बिल्कुल टॉप नॉच वूफर है। तो इनकी क्या कॉस्टिंग वगैरह थी भैया? पहली बात तो ये अभी मिल ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये अभी अगर मिल रहे हैं तो या रिपेयर या जाली मिल रहे हैं, पुराने तो लेने का फायदा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नए की क्या कॉस्टिंग पड़ी थी आपको? नए की कॉस्टिंग है ये 12,000 के चल रहे हैं इस टाइम। 12,000 का एक? एक 12,000 का। तो भाई साहब ये देख सकते हो, और भाई ने दो लगवाए हुए हैं प्रॉपर, देखो कितनी डैम्पिंग कराई हुई है, पूरी डिग्गी भारी है इस टाइम पे, है ना। तो ये तो ये होगी। और कितने एम्प लगे हुए हैं इसके अंदर भैया? इसके अंदर 3 एम्प लगे, 2 यहाँ लगे, 1 आगे सीट नीचे लगे। अच्छा, एक मोनो है? एक मोनो है, 2 4 चैनल। 2 4 चैनल, 2 4 चैनल पे क्या क्या वर्क कर रहा है अपना? आगे वाली मिड्स, पीछे वाली मिड्स और पीछे वाली 4 मिड्स। बिल्कुल। तो अगर अंदर आते हैं, अंदर आ जाओ एक बार भैया। तो इस तरफ से ये देखो भाई, डोर इतने भारी हुए पड़े इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो ये देखो इसमें मिड लगी हुई है अपनी सिल्वेस्टर, है ना जी भाई, डैप बॉन्स की सिल्वेस्टर, और पीछे भी मिड है जी भाई, पीछे भी भाई। ये देखो तो 4 मिड उसमें है, 4 मिड उसमें और डोर में भी, डोर में भी है। सेम यही है? सेम, यानी कि सिल्वेस्टर के 4 पेयर है। हाँ जी, टोटल 8, टोटल 4 पे भाई, टोटल 8 मिड रेंज रहने वाले इसके अंदर सिल्वेस्टर। 4 मिड डोर में लगी हुई है, 4 हो गई इस तरफ पीछे। तो ये है अपनी डैप बॉन्स की सिल्वेस्टर, है ना भैया? तो ये तो बहुत लाउड होगी। हाँ है ना। तो आते हैं अंदर की तरफ, और क्या क्या मतलब किस किस चीज से चल रही है। तो ये है अपना कौन सा स्टीरियो है, ये 5190 जेड सीरीज 5190, और ये हो गया भाई 7600। तो अब आपको ना आउटपुट वगैरह सुनाने वाले हैं, किस तरह क्या आने वाले हैं, तो अपना ना सॉन्ग प्ले करने वाले। और ये देखो यामा का सेंटर स्पीकर, तो सेंटर स्पीकर की क्या प्राइसिंग वगैरह हो जाती है भैया? रेट सबके अपने अलग अलग, कोई 5 का दे रहा है, कोई 3 का दे रहा है, कोई 4,000 का दे रहा है। अच्छा, मैंने लिया था कोई, मैंने सिर्फ 3500 रुपए का लिया था, 3500 रुपए। आजकल तो रेट बहुत उठा रखे, 5,000 का बेच रहे हैं इसको, 5,000 रुपए भाई ये। और ये देखो भाई TS20 इधर और पीछे पिलर पे, है ना। ये देखो मतलब 2 साइड अपने TS20 रहने वाले हैं। अब आपको आउटपुट वगैरह सुनाने वाले हैं, किस तरह क्या आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं। अब
भाई अगर बताऊं ना भाई, बहुत तगड़ा आउटपुट आ रहा है, बहुत ही ज्यादा वोकल वगैरह और बेस वगैरह भाई फुल अल्टीमेट है ना। तो वो सारी चीज हमने दिखा दी भैया भाई, तो भाई जेड ब्लैक वगैरह करा रखे तो भाई रिकमेंडेड नहीं है, कहीं भाई की देखा देखी में वैसे कर। देखो भाई ने अपने रिस्क पे कराई हुई है ना भाई, तो भाई हमने सारी चीज अब दिखा दी है, सिस्टम अपना कितने का होगा भाई? इन चीजों का कोई हिसाब नहीं है, सही बता रहा हूँ। अगर हिसाब लगा लगे ना तो शौक नहीं होंगे, तो फिर सोच सोच के लगेगा सामान, फिर ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा यार। हाँ ये तो है। तो अगर एक मतलब एक मोटा मोटा एस्टीमेट पूछा जाए कि भाई टोटल पूरी गाड़ी में, पूरी गाड़ी में आप ये लगा लो, देखो अगर आप अकेली मिर्ची लगा लो, आपको खुद रेट पता है क्या है ना हर चीज का। आप डीएसपी लगा लो, डीएसपी 40,000 का सिर्फ, ठीक है, पीछे पेटी और वो लगा के 30,000 के वो हो गए, बिल्कुल ठीक है। एम्प और वो लगा के मतलब कि मोटा मोटा लगा लो, 2.5 लाख का सिस्टम है। और ये एक होता है ना कि हाँ शायद शो ऑफ, अगर कोई बंदा गिनेगा ना वीडियो देख के तो इतने का हर। देखो वायरिंग वगैरह भाई, देखो वायरिंग भी अपनी बहुत मोटी लग जाएगी, 10,000 रुपए 15,000 भाई, अकेली पेटी 8,000 की बनती है यार, पेट भी टूटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पूरी गाड़ी को मतलब कि टोटल पूछी जाए, अलॉय व्हील लगा के नंबर वगैरह सब चीज लगा लोगे तो कितने? तो बहुत सारा होगा। कितना? 2.5 लाख का नंबर लगा लो, हाँ ठीक है, अलॉय व्हील 1/28 के अलॉय व्हील लगा लो, 2.5 लाख का लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये मतलब अपना कोई बैठ जाता है मतलब 5-6 के आसपास का है ना अप्रोक्सन। आप देखो, आप लोग कहेंगे क्या फिल्म ही है ये, आगे वाला शीशे मेरा टेंट है जो रेनबो शेड मार रहा है, ये 35,000, ये सिर्फ 500 रुपए का हुआ है। लोग कहते हैं यार दिल्ली में, आप दिल्ली जैसे दिल्ली वाले कह रहे भाई सस्ता हो जाता है, हमारे भाई सब चीज का अलग रेट है। बिल्कुल, देखो हर जगह जगह का अलग रेट है। दिल्ली में भाई देखो, दिल्ली में मेन मिलता है तो इसलिए वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है, देखो दूर आके। तो हमने सब चीज आपको दिखा दिया है। तो भाई अपना इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है भाई? meta._0008 0008 मिल जाए, ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, जाके भाई को फॉलो करना, हमें फॉलो करना भाई, बहुत दूर से आए हैं भाई की वीडियो बनाने, तो भाई जाके ना दिल्ली से, सही बात है, बेचारे कैसे कैसे आए यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, यहाँ तक वीडियो देखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।